आज मैंने पहले ही खीर बना लिया था, और खीर के साथ साथ में आज मैंने मूंग की सब्जी भी बना ली। और इस ये मैंने मूंग भगाया था एक दिन पहले ही, तो इसमें देखो थोड़ा सा अंकुर भी निकल गया है, और खीर ऑलमोस्ट पकी गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। और भाजी में भी मैंने टमाटर के साथ में लहसुन और मिर्ची अदरक सब पीस के डाले थे, और कांदा कटिंग करके डाले थे। अभी सब मसाले भी डाल दूंगी, और कुकर में ही मैं मूंग आज बना दूंगी। कुकर में बनाने से थोड़ा सब्जी गाढ़ी लगती है, तो आज मैं कुकर में ही ये सब्जी भी बना दे रही हूँ। आज सब्जी खीर के साथ ही बना लिया है। पहले खीर बनाती थी फिर पूजा करती थी, पर आज मैंने बोला पहले सब्जी बना लेते, उसके बाद मैं रोटी बना दूंगी। अब चलते हैं पूजा के। थोड़े से बर्तन हैं धोने के लिए, मैंने नहीं धोए थे आज सुबह, तो लोटा है और उनका दिया हुआ है सब, मैं आज अभी धोऊंगी। YouTube फैमिली मेरी कैसी है, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ज्योति उदय ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए, ब्लॉग में देखिए। मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत चल रहा है, अभी मैंने 8 तो डाल दिए हैं, 9th है ये, और मुझे करना है थोड़ा लंबा, आप देखते रहिए। मैं सोचती हूँ कि हर शुक्रवार का मैं हर फ्राइडे का थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके डालते रहूँ, उससे अच्छा रहेगा। प्रसन्न हुई है वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्तिभाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं, शराब जुआ देश व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुना शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से गृहस्थी में किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु में भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। इनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विगाता के लिखे को ये कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा और को रग बना देता है और रग को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भुगतने बाकी होंगे हो रहे होंगे कि वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की वजह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत सी हो गई थी।
शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बैंडल फैली हुई थी। उसमें सीना का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सहसील पत्नी सीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से रक्त व्यतीत करता था। उसके वजह घर में दरिद्रता और भुखमारी फैल पूर्वक सीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था और वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही सीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई थी। अब वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी थी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे सीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय धनलक्ष्मी माँ। आरती हो गया मेरा, अब मैं जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए। मैंने खीर और भाजी तो पहले ही बना लिए थे, फिर अभी मैं पराठा बना दूँगी। ये मेरा वैभव लक्ष्मी का पूजा और खाना आज का व्रत हो गया है पूरा। मेरा भी पराठा बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ थाली लगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।